हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह की ब्रेकफास्ट लेके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम लोग पी रहे हैं पपाया स्मूदी, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सॉस दिया था। मम्मी को पसंद नहीं है अनिर्बन, और मुझे पपाया के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग लका सिंह, गुड मॉर्निंग, स्माइल छोटे बोले। नहीं खाना है लाकू का, इतना तेवर है ना, मुंह ऐसे हिलाया देखा आपने। लाकू की मिमिक्री करते करते मेरा गला बैठ गया, पता है आपको। लाकू ऐसे तेज दिखा दिया कि ऐसा करती है। अभी ट्राई करो, मैंने 3-4 बार किया तो मेरे गला छीन गया। तू कैसा करती है, कैसे होता है? हाँ, लाकू को कुछ भी पसंद नहीं आएगा तो लाकू बाकी नहीं। कल फ्रेंड्स आए थे रात को, तो मैंने फ्राइड राइस बनाया था बंगाली स्टाइल, और हैदराबादी चिकन बनाया था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाऊँ, ज़्यादा करके बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत फ्राइड राइस है, थोड़ा सा चिकन भी है, 1-2 पीस करके हो जाएगा। तो अभी क्या बनाऊँ उसके साथ थोड़ा थोड़ा है, तो सोच रही हूँ कि चना दाल लौकी बहुत दिनों से नहीं खाया है वो बना देती हूँ, थोड़ा सा राइस बना दूँगी। दीदी उदास है क्योंकि दीदी के पास अभी कोई काम नहीं है करने। देखो बोलते है, दे दे। थोड़ा सा ऑयल में मैंने जीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग डाला है, और चॉप्ड अनियन डालूंगी। अनियन हल्का लाल होने पे चॉप जिंजर गार्लिक, चॉप टमाटर, टमाटर थोड़ा सा, उसके बाद डाल दूंगी मैं आधा लौकी। इससे एक्चुअली टेम्परेचर मापते थे जो हम करते ही नहीं है, क्योंकि ग्लॉकू उसको खाने की कोशिश करती है। इतना बड़ा सा एक बकेट है, उसका ऑलमोस्ट 40% पानी था, उसको वो ऐसे पैर से ऐसे थ्रो कर 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 लेके जा रही थी। अरे ये है ना, ये वाला ही, ये वाला ना। हाँ, ओफ, देखो इधर पे ना एक नॉब है, वो खोलने से इसकी पानी जो है ना, ये वाला। हाँ, इससे क्या होता है कि इसका पानी ड्रेन हो जाता है, वो वॉशरूम में जाके ऐसे कर सकते हैं। पर ब्लॉक उन्हें नहाते नहाते वो खोल लेती है। एक दिन मैंने भी पानी पानी कहाँ से आ रहा है, फिर देखो ये खोल दिया, आधा पानी निकल गया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं चना दाल डालूंगी। चना दाल मैंने भिगो के रखा था, धनिया पाउडर पत्ता बोल दिया, अच्छा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, मतलब बेसिक सा। लौकी पाती वाला सब्जी होता है तो वो पानी खुद से छोड़ने लगता है, तो पानी जो है ना आपको कम डालनी पड़ती है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी ग्रेवी हो जाता है। बस इतना सा ही डालूंगी, क्योंकि दाल है वो बॉयल होनी है, इसको मैं 5-6 सीटी लगाऊंगी। होने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा मैं सेमी ग्रेवी में रखा है क्योंकि राइस के साथ अच्छा लगेगा। रिसेंटली गाइस मैंने एक लव लैब का बेबी डिस्पोजेबल बीब्स लिया है। ब्लॉकू ना मैक्सिमम टाइम बीब्स पहनना प्रेफर नहीं करती है, ये एक्चुअली परफेक्ट होता है इंडोर और आउटडोर, कभी भी आप बाहर जा रहे हो स्पेशली, और इसको अलग से क्लीन करने की भी जरूरत नहीं है, बस यूज करो और फेंक दो। बीब्स लगा के अगर आप खाना खिलाते हो ना, तो ये जो है ना वो मेसी नहीं होता है, क्योंकि इधर उधर नहीं गिरता है, एक जगह पे स्टोर होता है, इसीलिए हाइजीनिक होता है। इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है, बेबी को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता है। इस मटेरियल में ना कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और ये BPA फ्री भी है, तो इसीलिए बच्चा इसको टच करता है, जो बच्चे की एक कॉमन सा हैबिट होता है। इसमें से कभी कभी वो फूड पार्टिकल्स लेके अपने मुंह में भी डालती हैं, तो ये कम्प्लीटली सेफ है बेबीज के लिए। लगाना बहुत इजी है गाइस, इसका जो स्ट्रिप है वो आसानी से चिपक जाता है, और बच्चा क्या करता है ना, हमेशा चीज़ों के ऐसे ऐसे फेंकने की कोशिश करता है, तो ये आसानी से उसके कपड़ों में भी अटैच हो जाता है, तो बच्चा कितना भी खींचे वो निकल जाता है, और कपड़े पे जो है ना खाना वो फूड पार्टिकल्स नहीं गिरता है।
और इक्वली इसको जब हम रिमूव करते हैं तो इसको ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं, उसको फोल्ड करके ऐसे आप डस्टबिन में फेंक दो। इसको अलग से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल बीप में करना पड़ता है। ये जो क्रम्ब कैचर है ना, इसमें आसानी से फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होता है। स्पेशली अगर आप बच्चे को जूसेस या लिक्विड्स कुछ दे रहे हैं ना, तो बच्चा बहुत गिराता है, तो इसमें ये कलेक्ट होता है और उसके कपड़े पर नहीं आता है। और ग्लौकू रानी क्या करती है, उसमें जो कलेक्ट होता है फूड उसको लेके भी खाती है। खाना वेस्ट नहीं करनी चाहिए ना, वो देखो फिर से खाने की कोशिश करे पप। इसका 3 लेयर देखो प्रोटेक्शन है। फर्स्ट लेयर जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे लिक्विड बच्चा बहुत गिराता है खाने के टाइम पे। और इसका जो अंदर का पोर्शन है ना वो लीक प्रूफ है। स्पेशली हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो इस तरह की डिस्पोजेबल बिब्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये टोडलर हो या बेबी आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो देखो इतना सा राइस बच गया था कल का और इतना सा चिकन, दाल रेडी है, राइस चला दूंगी मैं ना। गाइज आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ कि किस तरह से आप गरम कर सकते हैं। जैसे ये राइस जो है ना वो तो हार्ड हार्ड हो गया, इसको आप थोड़ा सा पानी देके गरम करोगे तो ये कैसा हो जाएगा स्टीम। अगर आप एक डबल बॉयलर में गरम करोगे तो भी जो है ना वो राइस जो है ना हार्ड हो गया है एक बार, तो मतलब वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है। पर मेरे पास टेक्निक है कि मैं ला सकती हूँ, उसके बाद स्टीम करूँगी। रेस्टोरेंट में हम लोग पहले खाते थे स्टीम राइस, तो मुझे लगता था स्टीम राइस अलग क्या है, ऐसे जैसे हम बनाते हैं वही तो है ना, पर नहीं, स्टीम राइस अलग होता है। मैंने एक दिन स्टीम राइस बनाया था, मुझे इतना अच्छा लगा था ना। आज मैं फ्राइड राइस को थोड़ा सा स्टीम दूंगी ताकि वो थोड़ा सा खिला खिला जैसे मैंने रात को बनाया था वैसे ही बन जाए। फ्राइड राइस का राइस देखो कितना हार्ड हो गया है, तो मैं इसको स्टीम करूँगी ताकि एकदम अच्छे से हम लोग उसको खा सकें। तो ये अगारो की मेरा जो 3 लीटर की राइस कुकर है ना, इसमें मैं करूँगी। तो ये देखो ये ना स्टीम का स्टीमर रहता है इसके अंदर, तो इसमें मैं स्टीम करूँगी। तो पहले ना थोड़ा सा मैं नीचे स्टीम करने के लिए पानी तो चाहिए, पानी डाल देती हूँ और ये स्टीमर लगा देती हूँ। इसके अंदर मैं राइस डाल देती हूँ, अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँ। इसमें स्टीम होता है ना, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया था क्योंकि मुझे स्टीम राइस बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 लीटर का है और घर पे ना एक है जो 5 लीटर का है, जो कोलकाता की घर पे है। वाओ इट्स सो हॉट। मैं एक राइस चेक करके आपको दिखाती हूँ, ये देखो एकदम जैसे था राइस वैसा भी है, एक भी राइस टूटा नहीं है, पानी पानी नहीं है, पर अच्छे से गर्म हो गया है। लाइफ का दूसरा नाम जो है ना गाइस, वो प्रॉब्लम है। कहीं पे भी आप खुशियाँ ढूंढोगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, उसको आपको फेस करना है, जीतना है, आगे बढ़ना है। मैं वो मूवी देख रही थी रॉकी एंड रानी, वैसे तो मूवी है पर कितना ज़्यादा रियल लाइफ के साथ वो कनेक्ट होता है ना। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि लड़के के घर में ही बहुत सारे रूल्स होते हैं और लड़की के घर में आज़ादी मिलती है सब लोगों को अच्छे से जीने का। और इक्वली रूल्स जब किसी का शादी होता है तो उसके ऊपर एज अ बर्डन प्रेस करते हैं कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। कोई लड़के के ऊपर कोई प्रेशराइजेशन है ही नहीं कि आपके ससुराल के जैसा आपको चलना पड़ेगा, है ना। पर दुनिया बदल रही है, सोच बदल रहे हैं लोगों की, पर जिनका सोच घटिया है ना उनका तो घटिया ही रहेगा, जैसे एंड में दिखाते हैं ना मूवी में। क्योंकि वो लोग ऐसे ही है जिनको दूसरे को नीचा दिखाने में ही मज़ा है। खैर वो सब लोग जो है ना वो आखिर में ऐसे कॉर्नर तो हो ही जाते हैं एक दिन तो सही, पर उनको ये समझ तो ज़रूर आता है कि वो है गिल्ट। क्योंकि आपके जो ये सोल है ना विवेक, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट कोई भी जजमेंट नहीं होता है। अगर आप दिल से खुश हो, अगर आप दिल से पता है कि आपने सही किया है तो आपने सही किया है। अगर आप गलत करते हो ना किसी के साथ, शायद उसको पता ना चले उसको आपने फंसा दिया है, पर अपने खुद के मतलब खुद की जो विवेक है सोल है उसमें तो आप गिर ही जाओगे ना। बहुत गंदी आदत लगी है मुझे, दोपहर की खाना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ और लिटरली 2 घंटा सो जाती हूँ। तो रात को ना आजकल ग्लौकू बहुत डिस्टर्ब करने लगी है, बिल्कुल सोने नहीं देती है, बहुत रोती है, ये वो करती है, मतलब सोने देती है पर होता ना कि बार बार नींद टूटता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नींद आती है कि थोड़ा सा भी ऐसा हो तो मैं उठ जाती हूँ, इसलिए दोपहर को सो रही हूँ।
तो थोड़ा सा स्नैक्स बनाती हूँ। गैस ऑयल में मैंने पहले थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाला है, थोड़ा सा पहले पीसेस में आप ऑनियन डालूंगी, चॉप्ड कैप्सिकम। सब्जी को ना हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा चॉप टमाटो, सॉल्ट, पेपर, सेजवान सॉस, मीट मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता डाल सकते हैं। सो आपका हेल्दीएस्ट स्नैक्स बहुत टेस्टी वाला रेडी। अब गाकुराम थोड़ा सा सो रही थी पर पॉटी हो गया है, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना गाकुराम? ओ गाकुराम, लॉकू का रात का यूनिक बेड कवर क्या है बताओ? लेकिन भाई अपना टी शर्ट खोल के लॉकू को ऐसा दे देती है, अरे क्यों? क्योंकि वो बेस्ट फिट होता है, उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट आता है, फिटिंग फुल एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। ये क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड बन के क्यों घूम रहे हो? बॉडीगार्ड क्या ये शेव? शेव कौन करता है कान में हेडफोन लेके? ओ अच्छा, वो सिर्फ एक्चुअली गाना सुन रहा था। मम्मी और अनिर्बन दोनों के दोनों ही ना, मतलब ऐसा है कि हम लोग रोबोट है, हमें जो टास्क एक बार मिल गया है हम उसको कस्टमाइज नहीं करने वाले हैं, हम चलते जाएंगे ऐसे। तो कल फ्राइड राइस था तो मम्मी को मतलब उसका कुछ नहीं है, मम्मी ने प्रॉपर फुल जितना हम राइस खाते हैं फुल उतना बना दिया। तो मैंने बोला कि रख दो जितना है, मैं तीन रोटी खाती हूँ रात को, तो मैं एक रोटी और राइस खा लूँगी। तो मम्मी फिर से रात को भूल गई और फिर से मेरे लिए तीन रोटी बनाने चली थी। तो मुझे आवाज़ आया कि मम्मी रोटी बना रही है और मैंने तुरंत बोला मम्मी मेरे लिए एक रोटी, एक रोटी। और अनिर्बन इज़ सो बिजी, वीडियो में बात भी नहीं कर रहा है, देख भी नहीं रहा है, क्यों? अरे पॉटी की। हाँ, वो मैं ना बहुत ग्लॉको बहुत समझती है कि मेरी पॉटी जो है ना ये दीदू या तो पापा करेंगे, मम्मा नहीं करेंगे। मैं एडिट कर रही थी तब अनिर्बन चिल्ला रहा है पॉटी हो गया है, पॉटी हो गया है, मतलब मैं तो कर नहीं सकती हूँ, अनिर्बन को फिर करना पड़ा। और ऐसे ही होता है, मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं नहाने गई हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, उसी टाइम पे ग्लॉको पॉटी करते हैं ताकि मम्मा को क्लीन ना करना पड़े। ठीक है पापा, आर यू हैप्पी टू क्लीनिंग पॉटी? एक्चुअली बहुत ही बढ़िया स्मेल आता है, है ना ग्लॉको? खाते क्या हो ग्लॉको? कितना बढ़िया। ग्लॉको को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी बना रही है फुल को रोटी। मम्मी का रोटी बहुत अच्छा बनता है और मेरा उतना ही खराब बनता है, अच्छे से फूल जाता है मम्मी का रोटी और ऐसे स्टाइल में पलटती है मम्मी, और आज नहीं दिखाया स्टाइल। राइस गरम होने के लिए बिछा दिया है, डोसा बनाऊंगी कल, बैटर भिगो के रखा था, मतलब चावल दाल भिगो के रखा था। 2 कप चावल, 1 कप ये दाल स्लीपरी वाला, हम इसको ब्यूली दाल बोलते हैं बंगाली में, उड़द दाल इधर बोलते हैं, 1/4 कप चना दाल और 1 चम्मच मेथी। मेथी क्या करता है, फर्मेंटेड होने में हेल्प करता है, तो इसको अभी पीस लेती हूँ। डोसा का बैटर डन, भिगो दिया है, दोनों कंटेनर में रखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा है ना, और इसको ना देखो मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि ये ऊपर तक फूल जाएगा अगर अच्छा बैटर बना है तो। 9:30 बजे ग्लॉको खाएगी, अभी 20 मिनट टाइम है, हम खाना खा लेते हैं। ग्लॉका सिंह क्या कर रहे हो? विंटन में ना डोसा का बैटर थोड़ा सा मतलब फर्मेंटेड नहीं होता है उतना, पर गर्मी में तो हो जाता है, होना चाहिए। सोचा था आज बहुत सारा काम करूँगी, इडली पोड़ी बनाऊँगी, फिर और भी कितना कुछ काम था। अभी 11:30 बज रहा है, एडिटिंग करके उठी हूँ, ग्लॉको को खा के लाना, उसके बाद उसकी सारे काम ख़त्म करना, बर्तन धोना। चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।